फॉर्मूला क्या है, H2SO4। तो सल्फ्यूरिक एसिड का हम क्या बोलते हैं, बोले तो किंग ऑफ केमिकल के नाम से भी बुलाते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स। ओके, तो किंग ऑफ केमिकल्स क्यों बोलते हैं, बोले तो क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड के बिना केमिस्ट्री क्या है, बोले तो जीरो है। क्योंकि जो भी एक टेस्ट रहता है, सीटी टेस्ट रहता है, कौन सा भी इंडस्ट्री में रहने दो, लैबोरेटरी में रहने दो, सल्फ्यूरिक एसिड क्या क्या है बोले तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, बोले तो किंग ऑफ केमिकल्स। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, बोले तो मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है तीन मास के लिए। ओके, कैसे हम सल्फ्यूरिक एसिड फिल्टर कर सकते हैं बाय कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस के थ्रू से। ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या है बोले तो, ये टोटल इसमें फोर स्टेप्स है, तो हम क्या करेंगे बोले तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो स्टेप वन क्या है बोले तो प्रोडक्शन ऑफ SO2। हम पहले क्या करना है बोले तो, अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर करने का रहे तो पहले हम क्या करना है बोले तो सल्फर डाइऑक्साइड प्रिपेयर करना है। ओके, तो कैसे प्रिपेयर करते हैं बोले तो सल्फर डाइऑक्साइड, हम सल्फर डाइऑक्साइड कैसे प्रिपेयर करना है बोले तो सल्फर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन पैरेट्स हमको सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। कैसे बोले तो देखो, एक क्या है बोले तो सल्फर है और एक क्या है बोले तो ऑक्सीजन है। जब सल्फर एंड ऑक्सीजन दोनों मिलते हैं ना इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन पैरेट्स, तो तब क्या होता है बोले तो सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होता है। ये क्या हो गया, स्टेप वन हो गया। तो अब स्टेप टू क्या है बोले तो ऑक्सीडेशन ऑफ SO2। तो इसमें क्या हो रहा है बोले तो ऑक्सीडेशन ऑफ SO2। तो इसमें क्या हो रहा है बोले तो, हम एक वेनेडियम पेंटोक्साइड यानी एक वेनेडियम कैटलिस्टर करें, तो वेनेडियम कैटलिस्ट क्या कर रहे हैं बोले तो, एक लो टेम्परेचर यानी 720 डिग्री केल्विन टेम्परेचर, और क्या कर रहे हैं बोले तो 2 एटमॉस्फेरिक बार प्रेशर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो तब क्या हो रहा है बोले तो, हमको SO3 फॉर्मेशन हो रही है यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड कैसे फॉर्मेशन हो रहा है बोले तो, विद द हेल्प ऑफ वेनेडियम कैटलिस्ट एंड एट लो टेम्परेचर एंड 2 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये क्या है बोले तो, इधर सल्फर डाइऑक्साइड, इधर था ना हमारा क्या था, इधर सल्फर डाइऑक्साइड थी ना, तो सल्फर डाइऑक्साइड को अगर हम डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करें तो इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम कैटलिस्ट एंड एट लो टेम्परेचर 720 केल्विन एंड 2 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो तब क्या हो रहा है बोले तो SO3 फॉर्मेशन हो रहा है यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इसका एंथैल्पी कितना है बोले तो -198.6 किलो जूल पर मोल है। इतने एनर्जी में क्या होता है बोले तो, ये रिएक्शन फॉर्मेशन होता है। थर्ड स्टेप क्या है बोले तो, अब्सॉर्प्शन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड हम कैसे अब्सॉर्प्शन करते हैं बोलते, ये करते हैं। तो इधर क्या हो रहा है बोले तो, अगर हम सल्फर ट्राइऑक्साइड अगर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करें तो इसमें क्या होता है बोले तो, सल्फर ट्राइऑक्साइड अब्सॉर्ब होके ये हमको ओलम मिलता है। ओलम मतलब क्या होता है, H2S2O7 को हम बोलते हैं ओलम। इसका केमिकल नेम क्या है बोले तो, पाइरो सल्फ्यूरिक एसिड। समझ में आ रहा है, हम क्या कर रहे हैं बोले तो, सल्फर ट्राइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद H2S2O7 मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं ओलम। इसका केमिकल नेम क्या है बोले तो, पाइरो सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये क्या हो गया स्टेप थ्री। तो स्टेप फोर क्या है बोले तो, डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन मतलब क्या होता है बोले तो, इसमें ओलम इज डाइल्यूटेड विद वाटर। डाइल्यूशन मतलब वो डाइल्यूट फॉर्मेशन होना। तो ओलम अगर वाटर के साथ रिएक्ट होने के बाद तब हमको क्या मिल रहा है बोले तो, 98% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मेशन हो रहा है। ये 100% प्योर नहीं रहता है, 96 to 98% तक प्योर रहता है। कैसे बोलते देखो, तो ये क्या है, ये ओलम है। तो अगर ओलम वाटर के साथ रिएक्ट होता है ना, तो ओलम वाटर के साथ रिएक्ट होने के बाद क्या हो रहा है बोले तो, सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 फॉर्मेशन हो रहा है, ये 98% प्योर रहता है। ओके, हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम क्या कर रहे थे बोले तो, कैसे सल्फ्यूरिक एसिड थेरेटिकली प्रिपेयर करते हैं बोल के हम देखे थे। तो अभी हम क्या करेंगे बोले तो, कैसे सल्फ्यूरिक एसिड लैबोरेटरी प्रिपेयर होता है, मतलब लैब में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं बोल के देखेंगे। तो स्टार्टिंग में क्या है बोले तो, एक कंटेनर में स्टार्टिंग में है ना, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं बोले तो, एयर अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें एक कंटेनर में क्या है बोले तो, सल्फर ओर है, मतलब हम सल्फर ओर को हम बर्न कर रहे हैं। तो सल्फर ओर को हम बर्न करने के बाद यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने के बाद, तब वो क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड अगर वो डाइऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होए तो तब क्या होता है बोले तो, उसमें जो भी इम्प्यूरिटीज है यानी डस्ट पार्टिकल्स है, वहां से क्या हो रहा है बोले तो, डस्ट प्रेसिपिटेटर से वो डस्ट पार्टिकल प्यूरिफाई कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या हो रहा है बोले तो, हम एक कंटेनर में ऊपर से क्या कर रहे हैं बोले तो, वाटर स्प्रे ऐड कर रहे हैं।
तो वाटर स्प्रे का मतलब होता है बोले तो, अभी आप गाड़ी को वॉशिंग को देते हैं ना, तो जब क्या होता है बोले तो वहां पर उस शॉप में जो पानी का प्रेशर है वो हाई रहता है, तो ऐसे ही क्या करता है बोले तो इसमें पानी का प्रेशर ज्यादा रहता है, ताकि इसमें जो भी वेस्ट पार्टिकल्स है उसको क्या करना बोले तो वो वेस्ट वाटर से ये बाहर जा सकता है। ओके, तो उसके बाद क्या करता है बोले तो उसको जो हमको बचता है उसको हम क्या करते हैं बोले तो कूलिंग रखने के लिए ये करते हैं। तो कूलिंग रखने के बाद क्या करते हैं बोले तो हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड स्प्रे एयर करते हैं। क्यों एयर करते हैं बोले तो क्योंकि जो भी इसमें वेस्ट एसिड है, जो भी वो सल्फर डाइऑक्साइड में जो भी वेस्ट एसिड है वो क्या होता है बोले तो बाहर निकल सके। ओके, तो उसके बाद हम क्या करते हैं बोले तो उसको जो भी हमको कंपाउंड बचा है उसको हम ड्राई करते हैं। तो ड्राई करने के बाद क्या होता है बोले तो उसको एक प्री हीटर और एक क्या होता है बोले तो आर्सेनिक प्यूरिफायर बोल के हम यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं बोले तो कौन से भी एक इम्प्योर पार्टिकल्स उसमें मिक्स ना हो बोल के हम क्या करते हैं बोले तो आर्सेनिक एक प्यूरिफायर यूज करते हैं। उसके बाद एक प्री हीटर यूज करते हैं। तो प्री हीटर यूज करने के बाद हम क्या कर रहे हैं बोले तो वेनेडियम पेंटोक्साइड यानी एक हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं। तो कैटलिस्ट का काम क्या करता है बोले तो ये सल्फर डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इंटू सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये काम क्या करता है बोले तो सल्फर डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इंटू सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्मेशन होता है। तो उसके बाद अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट होने के बाद तब क्या होता है बोले तो इसमें जो भी क्वार्ट्ज पार्टिकल्स बचते हैं ना उसके थ्रू से जो हमको मिलता है वो है H2S2O7। इसको हम बोलते हैं ओलम बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है बोले तो हमको एक्चुअली 100% हमको एसिड नहीं मिलता है, बाकी कितने मिलता है बोले तो 96 to 98% आपको ओलम मिलता है। तो ओलम का मीनिंग क्या होता है बोले तो H2S2O7। ओके, तो ये भी वही है, ये थोड़ा सिंपल में बता दिया है। ओके, तो आप क्या करो बोले तो कौन सा तो एक डायग्राम आप ड्रा करो। ओके, स्टार्टिंग वाला तो करो, यहाँ तो ये वाला करो। ओके, हम क्या करेंगे बोले तो सल्फ्यूरिक एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है बोल के देखेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज किसको बोलते हैं बोले तो जो भी एक कंपाउंड्स हम देख के बता सकते हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल मिल्क ले लो, तो मिल्क आपको कैसा दिखाई देता है आपको एक्चुअली वो आपको व्हाइट शेप में व्हाइट कलर में दिखाई देता है। तो वो क्या है आपको फिजिकली मतलब कुछ भी चेंजेस नहीं होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें तो ये क्या है बोले तो एक्चुअली कलरलेस है और डेंस है और हाईली लिक्विड है। ओके, तो उसके बाद क्या होता है बोले तो अगर सल्फ्यूरिक एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करे तो तब क्या होता है बोले तो हीट आता है। तो आपने याद नहीं किया होंगे अगर सल्फ्यूरिक एसिड हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना तो उसमें से क्या आता है बोले तो ऐसा धुआं आता रहता है। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं बोले तो इसलिए क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद इट रिलीजेस हीट। और ये क्या है सल्फ्यूरिक एसिड की बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट क्या है बोले तो बहुत ज्यादा है। ओके, अभी हम क्या करेंगे बोले तो केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज किसको बोलते हैं बोले तो कुछ कंपाउंड्स यानी कुछ केमिकल्स ऐड करने के बाद कुछ चेंजेस होते हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सल्फ्यूरिक एसिड का हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखने के लिए करें तो ये क्या है बोले तो लो वोलेटिलिटी। तो वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है बोले तो अगर एक रूम टेम्परेचर में रखे तो ये क्या होता है बोले तो एवोपरेट हो जाता है। तो अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड को आप एक एक बीकर में ऐसे ओपन ही रखे तो क्या होता है बोले तो इसमें जो भी मॉलिक्यूल्स है वो क्या होता है बोले तो एवोपरेट हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहता है उसकी वो सीड टेस्ट यूज करने के लिए भी यूज नहीं होता। ओके, तो और एक क्या है बोले तो लिखा जाए स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर। आप सबको तो पता है अभी अभी एक मूवी देखे होंगे ना चपक बोल के, तो उसमें भी क्या करता है बोले तो एक आदमी ऐसे एसिड फेंकते हैं ना तो तब क्या होता है बोले तो उनका फेस पूरा जला हुआ रहता है क्योंकि जो सल्फ्यूरिक एसिड में क्या है बोले तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है तो इसकी वजह से ये फेस या कुछ भी डैमेज हो सकता है। ओके, तो और एक क्या है बोले तो लिखा जाए स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर एंड एक्ट्स एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर सल्फ्यूरिक एसिड वाटर के साथ रिएक्ट होने के बाद स्ट्रॉन्ग रिएक्शन फॉर्मेशन होता है और इट एक्ट्स एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अभी हम क्या करेंगे बोले तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी क्या है बोले तो डिसोसिएशन।
तो डिसोसिएशन मतलब क्या होता है बोले तो, अगर सल्फ्यूरिक एसिड वाटर के साथ रिएक्ट होने के बाद वो टू आयनाइजेशन फॉर्मेशन होता है, समझ में आ रहा। अगर सल्फ्यूरिक एसिड वाटर के साथ रिएक्ट होने के बाद टू आयन्स फॉर्मेशन होता है, कौन कौन से मिलके अभी देखेंगे। तो पहले क्या है बोले तो, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड अगर वाटर के साथ रिएक्ट होने के बाद क्या होता है बोले तो, हाइड्रोजन आयन फॉर्मेशन होता है, और एक क्या है बोले तो, इधर हाइड्रोजन सल्फर। ओके, तो अगर इसका हम Ka वैल्यू यानी कांस्टेंट वैल्यू देखें तो ये क्या है बोले तो, वेरी लार्ज है, मतलब ये ग्रेटर देन 10 से है। ओके, तो अगर क्या है बोले तो, हाइड्रोजन सल्फेट है, ये क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट है। तो हाइड्रोजन सल्फेट अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना, हाइड्रोजन सल्फेट अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा है, इधर भी हाइड्रोजन आयन मिल रहा है, उसके बाद क्या है बोले तो, हमारा सल्फाइड ग्रुप मिल रहा है। तो इसका हम अगर कांस्टेंट यानी ए टू कहिए तो हम क्या करेंगे, ए वन करके ले लो, इसका ए टू बोलते लो, तो इसका वैल्यू कितना है बोले तो 1.2 है, यानी इसका 10^-2। तो के ए वन और के ए टू वैल्यू कंपेयर करो, इसमें किसका वैल्यू ज्यादा है, के वन का वैल्यू ज्यादा है, तो क्या है बोले तो, के ए वन इज ग्रेटर देन के ए टू। क्यों है बोले तो, क्योंकि जो एच टू एस ओ फोर क्या है बोले तो, इट इज लार्जली डिसोसिएटेड विद ए टू एच प्लस एन एच एस फोर आयन। तो क्या हो रहा है बोले तो, इधर के ए वन वैल्यू क्यों ज्यादा एसोसिएशन है बोले तो, जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्या हो रहा है बोले तो, एच प्लस एन एच एस फोर आयन प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसकी वजह से ये क्या है बोले तो, के ए वन वैल्यू ज्यादा। तो उसके बाद क्या है सल्फ्यूरिक एसिड वाटर के साथ रिएक्ट होने के बाद उसमें क्या होता है बोले तो, जो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है बोले तो, रिमूव होता है, तो उसकी वजह से क्या है बोले तो, इट एक्ट्स एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखो, क्यों सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट फॉर्मेशन होता है बोले तो, क्योंकि अगर सल्फ्यूरिक एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद उसमें वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है बोले तो, रिमूव होता है, तो इसकी वजह से सल्फ्यूरिक एसिड को डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोल के बुलाते हैं। तो अभी हम सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, तो ये डिहाइड्रेशन ऑफ सुक्रोज आर चारिंग एक्शन ऑफ सुक्रोज। ओके, तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड अगर वाटर के साथ रिएक्ट होने के बाद कैसे डिहाइड्रेशन फॉर्मेशन होता है बोल के हम देखेंगे। तो कैसा है बोले तो, इधर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेट सुगर, तो सुगर का मतलब क्या होता है, सुक्रोज, तो सुक्रोज को भी हम क्या बोलते हैं, सुगर बोलते हैं। तो सुक्रोज इंटू कार्बन आर सुगर चार, ये क्या है बोले तो, सुक्रोज है। ओके, तो अगर इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद, अगर सुक्रोज को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद हमको क्या मिल रहा है, इधर कार्बन मिल रहा है यानी चारकोल मिल रहा है, उसके बाद वाटर मिल रहा है, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं चारिंग एक्शन। तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है बोले तो, अगर सल्फ्यूरिक एसिड किसी रिएक्शन के साथ फॉर्मेशन होने के बाद जब हमको वाटर मिलते हैं ना, यानी वाटर डिहाइड्रेशन फॉर्मेशन में मिलता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो इसमें क्या हो रहा है बोले तो, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है विद द हेल्प ऑफ सुक्रोज। तो नेक्स्ट क्या है बोले तो, इधर सल्फ्यूरिक एसिड इट लिबरेट्स द कार्बन मोनोऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ डिहाइड्रेशन एजेंट। तो इधर देखो कैसा है बोले तो, इधर क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। ओके, ये क्या बोले तो, एसिड ग्रुप है। तो अगर एसिड ग्रुप और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों रिएक्ट करने के बाद तब क्या होता है बोले तो, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रहा है, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर में, वाटर क्या हो रहा है बोले तो, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह में आपको मिल रहा है। ओके, तो अभी क्या है बोले तो, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है बोले तो, मेटल्स और नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कैसे फॉर्मेशन होता है बोल के हम देखेंगे। तो पहले क्या है बोले तो, रिएक्शन विद कॉपर। ओके, तो रिएक्शन विद कॉपर मतलब, अगर कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या होता है बोले तो, कॉपर इंटू कॉपर सल्फेट। कैसे, ये क्या है बोले तो, कॉपर है, तो कॉपर अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या हो रहा है बोले तो, कॉपर सल्फेट फॉर्मेशन हो रहा है, कॉपर सल्फेट। ओके, तो उसके बाद और क्या बचे, SO2+2H2O। ओके, तो ये क्या हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया और सल्फर डाइऑक्साइड हो गया और वाटर। तो अगर आपको कॉपर से कॉपर सल्फेट रिएक्शन बनना चाहिए तो
आपको क्या चाहिए बोले तो सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, तो इससे क्या होता है बोले तो कॉपर इज कन्वर्टेड इनटू कॉपर सल्फर। तो सेकेंड रिएक्शन क्या है बोले तो रिएक्शन विद सल्फर, तो इसमें भी क्या होता है बोले तो सल्फर इज कन्वर्टेड इनटू सल्फर डाइऑक्साइड, कैसे, विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये क्या है बोले तो सल्फर है और ये क्या है सल्फ्यूरिक एसिड है। तो अगर सल्फर और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों रिएक्शन फॉर्मेशन होने के बाद क्या होता है बोले तो सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्मेशन हो रहा है और वाटर मॉलिक्यूल ओके तो थर्ड है क्या है बोले तो विद कार्बन, तो कैसे सल्फ्यूरिक एसिड कार्बन के साथ रिएक्शन होने के बाद क्या फॉर्मेशन होता है बोलते हम देखेंगे। तो क्या फॉर्मेशन होता है बोले तो ये कार्बन है, अगर कार्बन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या हो रहा है बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है बोले तो अगर आप कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर करने का रहे तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए ओके। तो नेक्स्ट क्या है बोले तो कैल्शियम फ्लोराइड, तो अगर कैल्शियम फ्लोराइड को आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या चेंजेस होता है बोलते तो इधर क्या है बोले तो कैल्शियम फ्लोराइड है, तो अगर कैल्शियम फ्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद यहाँ पर क्या होता है बोले तो कैल्शियम सल्फेट फॉर्मेशन होता है CaSO4, उसके बाद 2 हाइड्रोजन फ्लोराइड रिएक्शन फॉर्मेशन होता है। मतलब कौन सा भी एक नॉर्मल कंपाउंड से एक ऑक्साइड एसिड फॉर्मेशन में आपको प्रिपरेशन करना चाहिए तो CaSO4 बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इधर कैसे करें हम कार्बन, अगर कार्बन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद तब हमको क्या हो रहा था कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा था, अगर वैसे ही सल्फर है तो सल्फर अगर CaSO4 के साथ रिएक्शन करने के बाद तब क्या हो रहा था SO2 मिल रहा था। तो ऐसे क्या होता है बोलते नॉर्मल कंपाउंड से एक केमिकल कंपाउंड फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो अभी हम क्या करेंगे बोले तो यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं बोलते हम देखेंगे। तो पहले कहाँ पर यूज करते हैं बोले तो फर्टिलाइजर, जो खेत में जो प्लांट्स को फर्टिलाइज मारता है ना वहां पर भी क्या करता है बोले तो वो मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी फर्टिलाइजर केमिकल मैन्युफैक्चर करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पेट्रोलियम रिफाइनिंग, जो भी पेट्रोलियम हम प्यूरिफाई करते हैं ना वहां पर भी क्या होता है बोले तो सल्फ्यूरिक एसिड। तो उसके बाद पिगमेंट्स एंड पेंट्स, जो भी हम वो पेंट्स और पिगमेंट्स जो भी मैन्युफैक्चर करते हैं ना वो पेंटिंग इंडस्ट्री में क्या करता है बोले तो सल्फ्यूरिक एसिड यूज करता है ओके। तो उसके बाद क्या है बोले तो डिटर्जेंट इंडस्ट्री, आपको वो एक्चुअली कपड़े धोने में वो सोप रहता है ना, सोप जो भी एक पाउडर रहता है ना वो एक रहने दो, और कोई भी टॉयलेट क्लीनर रहने दो, उसमें सभी क्या है बोले तो वो मैन्युफैक्चर करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का यूजेस रहता है। उसके बाद क्या है बोले तो लैबोरेटरी रिएजेंट्स, तो आपको सबको तो पता है केमिस्ट्री में विदाउट सल्फ्यूरिक एसिड कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं बोले तो लैबोरेटरी में भी क्या करते बोले तो ये लैबोरेटरी रिएजेंट एंड सॉल्वेंट की तरह काम करता है। तो नेक्स्ट क्या है बोले तो मेटलर्जिकल एप्लीकेशन, तो मेटलर्जिकल एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है बोले तो अगर समझो कि एक मेटल है कन्नडदल अंत कब्बिण तूकोड़ी आ कब्बिण ऐनगत अंतंद्रे तूक हिड़ी अंत तूकोड़ी, तो तूक हिड़ी अंतंद्रे ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು HCSO4 ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾಲಿನ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲಿಂಗ್ ಆ ತರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಮರಿಗೂ ತರುವ ಈ ತರ ಅಲ್ಮರಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಸೊ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅದರ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಸಲುವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೈಟ್ರೋ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಯೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಓಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.